भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाता है। अलग अलग झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाता है। इस परेड में देश की तीनों सेना जैसे कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना शामिल होती हैं। देश के राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारतीय तिरंगे का क्या इतिहास है? इसे कितने बार बदला गया, इसे किसने बनाया, इसमें शामिल रंगों का क्या महत्व है? तो चलिए तिरंगे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपको बता देते हैं। भारत का पहला झंडा 1906 में अस्तित्व में आया था। 7 अगस्त 1906 को इसे पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था। इसके बाद से भारत के झंडे में कई बदलाव देखे गए। ऐसा माना जाता है कि भारत का झंडा कुल 6 बार बदला जा चुका है, जो कुछ इस तरह है। पहला झंडा, भारत का पहला झंडा 1906 में अस्तित्व में आया। 7 अगस्त 1906 को इसे पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया। इस झंडे में तीन रंग, हरा, पीला और लाल रंग की पट्टियां देखने को मिलती है। इसमें बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। दूसरा झंडा, 1907 में मैडम कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों, जिन्हें भारत से निर्वासित कर दिया गया था, ने पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया था। इसमें केसरिया, पीला और हरे रंग की पट्टियां थी। तीसरा झंडा, 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नया झंडा फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसके साथ ही इसमें सप्तऋषि को दर्शाते 7 तारे, अर्धचंद्र और सितारे थे। बाएं साइड कोने में यूनियन जैक भी था इस झंडे में। चौथा झंडा, 1921 में ही भारत को अपना चौथा झंडा भी मिल गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेशन के दौरान आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को यह झंडा दिया था। इसमें सफेद, हरे और लाल रंग की पट्टियां थी। वही देश के विकास को दर्शाने के लिए बीच में चरखा भी था। इस तिरंगे का निर्माण करने वाले शख्स का नाम पिंगली वेंकैया है। पांचवा झंडा, भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला। इस झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इस झंडे में केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी। हालांकि चरखा इस बार भी केंद्र में था। तिरंगा झंडा, 1931 में बना झंडा ही आज के वर्तमान भारतीय तिरंगे से काफी मिलता जुलता है। हालांकि 1947 में इसमें थोड़ा सा संशोधन करते हुए चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को रखा गया। तिरंगा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज कैसे बना? तिरंगे को भारतीय ध्वज के तौर पर मान्यता मिलने में करीब 45 साल का समय लग गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसे वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। शुरुआत में इसे स्वराज झंडा कहा जाता था। इसके बाद इसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया जाता है। आखिर क्यों कहते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग, चलिए जानते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। तिरंगे झंडे में मौजूदा चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3rd शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय ये है कि जीवन गतिशील है और रुकने का मतलब मृत्यु है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।